नमस्कार, आप ही समाचार देख रहे हैं। इस वक्त आप पहलावाद से पचमू की चौक से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक बुलेट बाइक को जो है, पटाखे बजाने वाली बाइक को जो है यहां पे इंबाउंड किया गया है। हम आपको सीधी तस्वीरें इलाहाबाद से दिखा रहे हैं। और इलाहाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है और इलाहाबाद थाना जो है, पिछले दो तीन दिन से काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है ट्रैफिक के मामलों में। और बिना हेलमेट वालों के और ट्रिपल सवारी और अन्य जो कागजात जिसके पूरे नहीं हैं, उनके धड़ाधड़ी से चलान काटे जा रहे हैं। और ये केवल इलाहाबाद ही नहीं, पूरे सिरसा ज़िला में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जिसपे तहत जो है ट्रैफिक नियमों को पूरी तरह से सख्त किया गया है। आपने ये अभी हाल ही में ये बाइक जो है इंपाउंड की है, क्या क्या इसमें आपको लगा कि इसमें जो चीज़ें पूरी नहीं है? इसके नंबर प्लेट नहीं है सही, पैटर्न की नंबर प्लेट नहीं है, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए, ये नंबर प्लेट नहीं है। ये पटाखे वाला सिलेंसर लगा रखा है, जो कंपनी का लगा हुआ था वो उतार के ये पटाखे वाला बता रहे हैं। इसके बाद हेलमेट भी नहीं था, लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कागजात। और ये पटाखे वाला है, ये आपका मोटरसाइकिल का पटाखे वाला जो सिलेंसर है, ये ओरिजिनल लगा के और फिर थाने से रिलीज होगा। इसके पीछे आर्मी लिखा हुआ है, कि ये आर्मी अफसर का? आर्मी का इसके, ये मोटरसाइकिल आर्मी का नहीं, ये पर्सनल मोटरसाइकिल है। और आर्मी का तो यहाँ कोई कैंप ही नहीं है, आर्मी वाले तो सारा कुछ लेके चलते हैं साथ, हेलमेट भी रखते हैं सारा। मोटरसाइकिल का ये बुलेट मोटरसाइकिल का पटाखे वाला सिलेंसर भी नहीं होता उन्होंने, आर्मी तो ये लिख लिया वाला है, वो आर्मी अफसर था कि ये पता नहीं थी कौन था कौन नहीं था। ये लिख के लिए समान है, नियम सबके लिए समान है। आर्मी के कैंप के अंदर कोई भी बिना हेलमेट के तो घुसने नहीं देते, हमारे को भी नहीं घुसने देते। अंदर भी अगर जो चलाएगा वो भी बिना हेलमेट के नहीं चलाएगा, पीछे वाली सवारी और दोनों ट्रिपल भी नहीं बैठेंगे, दो चढ़ेंगे तो दोनों मुलाजम ही आर्मी के हेलमेट लगा के चलते हैं, चाहे वो कैंप के बाहर हो चाहे अंदर हो। सबके लिए नियम बराबर है, सबके लिए, चाहे कोई भी हो, पुलिस हो, आर्मी हो। 30-40 चलान काट दिए आज और कल भी काफ़ी चलान काटे थे, और आगे भी अभियान जारी रहेगा। बिना नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट ना हो उसके, हेलमेट ना हो उसके, सीट बेल्ट नहीं हो, और जो ट्रिपल राइडिंग है वारा किस्म के हैं, उन कईयों को तो समझाया भी जा रहा है और चलान भी काटे जा रहे हैं। और इसके अंदर तीन तीन सवारी चढ़ के आते हैं, दूर से आपको देख के पुलिस वालों को देख के भाग जाते हैं, उनको क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है, भागने की जरूरत नहीं है, गलती हो जाती है, छोड़ भी दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो कोई मजबूरी में कोई डॉक्टर के पास आता है, एक बीच में अगर कोई साधन नहीं है, बीच के अंदर बिठा के पकड़ के ले आ सकता है वो, लेकिन उसके पास हेलमेट कागजात। ये हमारे साथ इलाहाबाद से यातायात प्रभारी सुभाष चंद्र थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करेगा उसको किसी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। और खास करके पुलिस पार्टी को देखकर जो बाइक भगाकर लेके जाने वाले हैं, पीछे से मुड़ जाने वाले लोगों को उन्होंने मैसेज दिया है कि आप अपने हेलमेट और मोटरसाइकिल के जितने भी कागजात हैं वो पूरे करके रखें, पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आप इस बार भाग जाओगे, लेकिन अगली बार पकड़े जाओगे तो चालान आपका अवश्य होगा। आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से एक बुलेट बाइक का इंपाउंड किया गया है, उसको जब्त कर लिया गया है। हालांकि बाइक को चलाने वाले युवक ने आर्मी से जुड़े कुछ वो दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नियम और कानून सबके लिए बराबर है और पटाखे वाली बाइक अलाउड नहीं है तो नहीं है, और उस बाइक को इंपाउंड कर दिया गया। और उन्होंने सख्ताई से कहा है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा, इसी तरह से धड़ल्ले से चलान कटते रहेंगे, तब तक आप ट्रैफिक के नियमों का सही से पालन नहीं करते तो चलान अवश्य कटेंगे। आप ये वीडियो जो है इलाहाबाद के पंचमुखी चौक से देख रहे हैं, मैं हूं एलडी स्वामी, धन्यवाद। आगे बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, हमारा प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारी जो सेफ्टी है, हेलमेट लगाने का बचत होती है, इसके लिए प्रशासन की मानो, प्रशासन हमारे इस टाइम एसपी साहब में डीसी साहब ने ये अभियान जो चलाया है ना, बहुत बढ़िया चलाया है।